इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे रामपुर रियासत की कहानी। रामपुर उत्तर हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक थी। रामपुर के महत्व के दो कारण थे। एक, रामपुर हैदराबाद और भोपाल के बाद तीसरी सबसे ताकतवर और अमीर मुस्लिम रियासत थी, और दूसरा, जो रामपुर के नवाब है उनका आर्ट, कल्चर, पेंटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रामपुर का इतिहास समझने के लिए हमें रोहिलखंड इलाके का इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। रोहिलखंड का इलाका जो है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं, जो दिल्ली के ईस्ट का जो इलाका है जमुना के पार वाला, उसे कहते हैं। अब ये जो पूरा इलाका है जिसमें रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, पीलीभीत, ये जो सारी शहर और कस्बे आते हैं, ये जो मध्ययुगीन जो काल है उसे कटेर कहा जाता था, और ये जो पूरा इलाका है वो घने जंगल हुआ करते थे। 12वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत का राज शुरू हुआ तो ये पूरा जो इलाका है ये दिल्ली के सुल्तानों के अंडर चला गया। पर यहाँ पर जो छोटे छोटे राजपूत राजा थे वो कंट्रोल किया करते थे, और जो दिल्ली सल्तनत के जो गवर्नर्स थे वो आइदर बदायूं या फिर बरेली में हुआ करते थे। और जनरली जो दिल्ली के जो सुल्तान थे और फिर बाद में जो मुग़ल बादशाह थे, उनके लिए ये एरिया इतना ज़्यादा महत्व का नहीं था। वो जनरली यहाँ पर सिर्फ शिकार खेलने के लिए आते थे दिल्ली से और फिर वापस दिल्ली लौट जाते थे। पर एक बात ये है कि यहाँ के जो राजपूत राजा थे जिन्हें कटेरिया राजपूत कहा जाता था, ये ट्रेडिशनली जो दिल्ली के जो सुल्तान हैं और मुग़ल बादशाह हैं उनकी अथॉरिटी को अपोज करते थे और कंटिन्यूसली वो बगावत करते रहते थे। तो बादशाह औरंगज़ेब के काल में उन्होंने जो मुग़ल शासन है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इन कटेरिया राजपूत राजाओं को बैलेंस करने के लिए अपने जो लॉयलिस्ट हैं उनको यहाँ पर सेटल करेंगे। तो सन 1705 के करीब जो मुग़ल शासन है उन्होंने एक दाऊद खान करके अफ़गान थे और उनके साथ जो लोग आए थे मुग़ल दरबार में नौकरी ढूंढने के लिए, उन्हें इस एरिया में सेटल किया। तो एक बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि उस समय अफ़गानिस्तान जो था वो बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड था। जनरली वो माउंटेनस रीजन था, वहाँ पर ज़मीन अच्छी नहीं थी, फसल अच्छी नहीं थी, ट्रेड और कॉमर्स नहीं था। तो जो अफ़गान लोग हैं वो अपना करियर बनाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, इन सीकिंग देयर फॉर्चून, वो हिंदुस्तान आते थे। और अगर आप देखें तो ये जो गंगा जमुना का जो दुआब एरिया है, जो उत्तर प्रदेश जनरली का जो एरिया है, वो बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे ज़मीन अच्छी है, फसलें अच्छी आती हैं, तो काफ़ी अफ़गान यहाँ पर आकर बस जाते थे। तो दाऊद खान के साथ फिर काफ़ी अफ़गान यहाँ पर आकर बसने लगे और उन्हें रुहेल कहा जाता था। रुहेल मतलब रोह, द रेजिडेंट्स ऑफ रोह, रोह मतलब माउंटेन्स या माउंटेन वैलीज थे। तो रोहेल से रोहिला हो गया और रोहिलों का जो इलाका है उसे रोहिलखंड कहा जाने लगा। सन 1707 में बादशाह औरंगज़ेब के निधन के बाद जब मुग़ल साम्राज्य टूटने लगा तो ये जो रोहिलाज जो थे जो इस एरिया में बस गए थे वो धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी को जमाने लगे और वो दे बिकेम ऑलमोस्ट सेमी इंडिपेंडेंट। तो उस समय हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि अफ़गानिस्तान में कैसे होता था, कबीला सिस्टम होता था कि ये अलग अलग कबीले होते थे, उनका सरदार होता था और उन सरदारों में से एक होता था जो रोहिलों का चीफ होता था। तो यहाँ पर रोहिलखंड में भी उन्होंने सेम सिस्टम फॉलो किया कि ये उनके अपने अपने जो छोटे छोटे राज्य थे, प्रिंसिपैलिटीज थी, और उनमें से एक वो अपना एक कबीले का हेड चुनते थे। और उस समय रोहिलों के हेड थे हाफिज़ रहमत खान, जिनकी राजधानी थी पीलीभीत। पर हाफिज़ रहमत खान के अंडर ही और एक जो एक कबीले के जो चीफ थे वो थे नजीब खान रोहिला या नजीबुद्दौला। अब
अगर आप देखें तो भारत के इतिहास पर रोहिलो में आई थिंक नजीब खान रोहिला का बहुत एक इम्पैक्ट पड़ा है, और उसका कारण है पानीपत का तीसरा युद्ध को लेकर। 1740s और 50s में जब मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल टूट गया था और जो मुग़ल राजधानी है वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल हो रही थी, तब यूसी अभी रोहिलों को तो अभी उन्होंने अपने अपने राज्य बना लिए थे रोहिलखंड में, पर वो ये भी चाहते थे कि दिल्ली पर वो अपना कंट्रोल करे और दिल्ली के दरबार में वो अपनी ताकत बनाए। बिकॉज जब आपके पास पैसा और ताकत आ जाती है तो नाउ यू वांट स्टेटस, और नजीब खान रोहिला चाहते थे कि वो दिल्ली के दरबार में एक पावरफुल मंत्री बने एंड ऑल, पर उन्हें अपोज करते थे जो पुराने जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे पुराने जो खानदान है, जैसे कि आसफ जाह, हैदराबाद के आसफ जाह का खानदान हो गया, या सादत अली खान जो आगे चल के उनके वंशज अवध के नवाब बने, तो ये सब उनके ऑपोजिशन में थे। तो इस समय क्या हुआ, अफगानिस्तान में जो अहमद शाह अब्दाली है उन्होंने सारे कबीलों को इकट्ठा करके एक पावरफुल अपना डुरानी साम्राज्य बनाया था। तो नजीब खान ने अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया कि आप भारत पर अटैक करें, और आप भी अफगान हैं, हम भी अफगान हैं, तो हम मिलके यहाँ पर राज करेंगे। तो जब पहले के जो इन्वेजन्स हुए अहमद शाह अब्दाली के, तब उन्होंने दिल्ली पर एक पावरफुल पोजीशन पर नजीब खान को दिल्ली के गवर्नमेंट में बिठाया, पर जो उनके जो राइवल मिनिस्टर्स थे बाद में उन्होंने मराठों को अपील भेजी कि आप आइए और इन रोहिलों को यहाँ से दिल्ली के सत्ता से हटाइए, और तब राघोबा दादा की फ़ौज आई थी, उन्होंने नजीब खान को पोजीशन से हटा दिया था, फिर आगे चल के वो पंजाब और अटक तक चले गए और उन्होंने अपने ठिकाने बनाए। तो फिर नजीब खान को काफ़ी गुस्सा आया एंड ही उनको मराठों से बदला लेना था। फिर उन्होंने फिर से अब्दाली को इनवाइट किया, फिर सदाशिवराव भाऊ आए, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो अब्दाली और मराठों के साथ एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना चाहते थे, पर ये नजीब खान ने नहीं होने दिया, बिकॉज़ वो पूरे मराठों को ख़त्म करना चाहते थे और वो चाहते थे कि मराठों का कत्लेआम हो। और पानीपत की लड़ाई हुई, उसमें काफ़ी मराठे मारे गए, और नजीब खान को लगा कि चलो अभी अभी तो हमारा ही राज है, और काफ़ी लूट लेकर वो उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई जिसे पत्थरगढ़, नजीबाबाद पत्थरगढ़ कहा जाता है, अभी भी पत्थरगढ़ का किला है, अभी भी नजीबाबाद एक टाउन है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर उन्होंने अपना राज बसाया। पर एक प्रॉब्लम था कि जब पानीपत में जब कत्लेआम हुआ, तब उसमें से एक 18 साल का लड़का बच के निकला था, मराठा लड़का, और उसने ये देखा था, वो ऑलमोस्ट जान लाइक ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था, उसके पैर में चोट लगी थी, और उसके दो भाई दत्ता जी और जानको जी रोहिलों की वजह से मारे गए थे, और उसने एक प्रॉमिस लिया था कि मैं अपने भाइयों के खून का बदला ज़रूर लूँगा रोहिलों से, और इस लड़के का नाम था महाजी सिंधिया। मीनवाइल नजीब खान ने अपने राजधानी से वो कुछ सालों तक सत्ता चलाई, और जो लूट थी जो पानीपत की उसे उसका उपभोग किया, उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके बेटे जबीता खान जो है वो गद्दी पर आए, वो भी दिल्ली में इंटरफियर करने लगे। अब ये हम जा रहे हैं पानीपत के अराउंड 10-15 साल बाद की बात। तब क्या होता है कि ये जो महाजी सिंधिया है, जो एक इनएक्सपीरियंस बॉय था, अब इन 15 सालों में इंडिया का सबसे पावरफुल जनरल बन गया है थैंक्स टू हिज फ्रेंच ट्रेन्ड ट्रूप्स, और उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं रोहिलों से बदला लूँगा, तो एक बड़ी फौज के साथ महाजी सिंधिया ने रोहिलखंड पर हमला किया और पूरे नजीबाबाद को
पूरा डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, यहाँ तक कि नजीब खान के जो कब्र थी उसे खोदकर वो जो उनके जो बॉडी का जो बोन्स थे वो कचरे में फेंक दिए लिटरली। पूरा पत्थरगढ़ के पूरे जो जितने भी बिल्डिंग्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। जो मराठों के जो जो पानीपत में जो रोहिलों ने मराठों के जो लूटा हुआ सामान था वो वापस लेके गए, और काफ़ी रोहिलखंड में मराठों ने अटैक्स किए। तो जो रोहिला जो सरदार थे वो जो नवाब ऑफ अवध है उनके जो ईस्ट में थे वो उनके पास मदद मांगने गए कि आप प्लीज़ हमें मराठों के ख़िलाफ़ मदद कीजिए, और अवध की फ़ौज है वो उनको मदद करने के लिए आई। पर उससे पहले ही बिकॉज़ एक बाकी जो उन्हें अटैक्स हो रहे थे और जो उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो मराठा फ़ौज विड्रॉ कर गई और मराठा फ़ौज और अवध की फ़ौज में लड़ाई नहीं हुई। तब जब मराठे वापस निकल गए और अवध के नवाब ने रोहिला सरदारों से पेमेंट मांगी कि आपने हमें प्रॉमिस किया था कि आप इतना इतना हमें रकम देंगे, तब रोहिला सरदार मुकर गए और बोले कि नहीं, लड़ाई तो हुई नहीं, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो कोई कारण से वो टालने लगे। तब अवध के नवाब ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसके गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से मदद मांगी। ये 1774 की बात है, और अंग्रेज़ों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि हम भारत में अपना इन्फ्लुएंस फैला सके। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब ने 1774 में एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर रोहिलखंड पर हमला कर दिया, और एक के बाद एक एक सारे जो रोहिला राज हैं उनको ख़त्म कर दिया एक्सेप्ट वन, वो था फैजुल्ला खान का राज। फैजुल्ला खान ने एक ट्रीटी की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि आप बाकी सब तो राज आप ख़त्म कर रहे हैं, पर आप मुझे अपना राज चलाने देंगे और मैं अवध के नवाब और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके साथ लॉयल रहूँगा। और यही राज्य बन गया आगे चल के रामपुर का राज्य। तो ऑफिशियली 7 अक्टूबर 1774 को रामपुर राज्य की स्थापना हुई। अगर आप रामपुर का मैप देखें तो वो रोहिलखंड का एकमात्र राज्य था और उसके चारों तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का राज था। बिकॉज क्या हो गया था कि जो रोहिलखंड है वो पहले अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब को दे दिया, पर आगे फिर उनको फोर्स किया कि वो जो रोहिलखंड है वो अंग्रेज़ों को दिया जाए। जो नवाब फैजुल्ला खान है उन्होंने फिर यहाँ पर जो रामपुर है यहाँ पर एक किला बनाया और यहाँ से वो राज करने लगे। नवाब फैजुल्ला खान को लेकर और एक बात ये है कि जो रामपुर की जो ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट है या ग्रेटेस्ट बिल्डिंग है वो है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी। तो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की शुरुआत नवाब फैजुल्ला खान ने ही की थी। वो इवन दो ही वॉज़ अ रोहिला वॉरियर, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और उन्हें रेयर किताबें, रेयर मैनुस्क्रिप्ट्स का बहुत शौक़ था, और उन्होंने फिर ये कलेक्ट करना शुरू किया रेयर मैनुस्क्रिप्ट्स, किताबें और वो सारी चीज़ें, और अपने जो लाइब्रेरी में, अपना प्राइवेट लाइब्रेरी में वो एक कलेक्शन अपना रखने लगे, और फिर आगे चल के फिर उनके वंशजों ने उसे बढ़ाया। नवाब फैजुल्ला खान का 1798 में निधन हो गया और उनके बाद फिर उनके जो सक्सेसर्स आए वो काफ़ी वीक सक्सेसर्स थे, पर रामपुर का जो राज्य था उसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। और ये हमें देखने को मिलता है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इनफैक्ट उसकी शुरुआत तो रोहिलखंड में ही हुई, मेरठ में ही हुई, और प्रैक्टिकली पूरा रोहिलखंड जैसे बरेली हो गया, फरुखाबाद हो गया, मेरठ हो गया, तो यहाँ पर सारे रोहिलों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया एक्सेप्ट रामपुर। और रामपुर वॉज लाइक एन हेवन, एन आइलैंड, कि सारा जो बगावत हो रही है पर जो रामपुर है वो अंग्रेज़ों के साथ लॉयल रहे, और जो रोहिलखंड से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स और जो सिविलियंस जो भाग रहे थे उनको रामपुर के नवाब ने रेफ्यूज दी। तब के नवाब थे नवाब यूसुफ अली खान। इनफैक्ट जब दिल्ली में कत्लेआम हुआ, जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर को रिकैप्चर किया 1858 में और वहाँ पे बहुत कत्लेआम हुआ, तो जो बहादुर शाह जफर के जो दरबार के काफ़ी जो लोग थे
वो फिर उन्होंने रामपुर में शरण ली। इनफैक्ट इवन मिर्ज़ा गालिब ने रामपुर में शरण ली और उनको यहाँ पे नौकरी मिली। और बाकी के जो पोएट्स थे, पेंटर्स थे, जो आई मीन दिल्ली के जो मैसेकर से जो भाग रहे थे, उनको फिर नवाब ने रामपुर में शरण दी। उनके आगे चल के जो एक सिग्निफिकेंट नवाब हुए वो थे नवाब काबे अली खान। नवाब काबे अली खान का इम्पोर्टेंस ये है कि जो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी का जो ओरिजिनल उनका जो नवाबों का जो प्राइवेट कलेक्शन था उसे नवाब काबे अली खान ने ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया। और उस समय आप समझिए 1857 में दिल्ली में बहुत कत्लेआम हुआ था। जो पुराने जो मुग़ल फैमिलीज़ थी, इवन मुग़ल राज परिवार, उनका काफ़ी नुकसान हो गया था। और जो काफ़ी जो मुग़ल लाइब्रेरीज और जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेंटिंग्स वो डेस्परेशन में बेच रहे थे। तो काबे अली खान ने फिर ये सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये किताबें हैं, वो ख़रीद कर अपने इस रामपुर रज़ा लाइब्रेरी इस अपने पैलेस लाइब्रेरी में रखी और उसे इन्हांस किया। 1896 में रामपुर के नवाब हुए हामिद अली खान। हामिद अली खान जाने जाते हैं अपने पेट्रनेज ऑफ कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए। हामिद अली खान को जो गुड थिंग्स इन लाइफ बहुत पसंद थी। उन्होंने यहाँ पर जो रामपुर का किला है वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत महल बनाया जिसे हामिद मंजिल पैलेस कहा जाता है और जहाँ पर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अभी स्थित है। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं उसमें अलग अलग हिंदू और यूरोपियन और इस्लामिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स है। उसके बीच में एक बहुत खूबसूरत दरबार हॉल था विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल दरबार हॉल्स इन इंडिया। उन्हें हीरे जवाहिरातों का बहुत शौक था। जो रामपुर के जो फेमस मोती है, रामपुर के ताज, रामपुर के जेवर, वो उन्हीं के टाइम पे बने हैं। इनफैक्ट अगर आप लिविस्ट इंडिया पर हमारा रामपुर ज्वेल्स का आर्टिकल पढ़े तो रामपुर के जो हीरे जवाहिरात थे वो लिटरली बड़ौदा, इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट द क्वालिटी, वो बड़ौदा और हैदराबाद ऐसे रियासतों के उस लेवल पर थे। उनका सोने का सिंहासन था, उनका क्रिस्टल का सिंहासन था, बेशुमार संपत्ति उन्होंने बनाई। उन्होंने जो कथक घराना है और रामपुर का जो म्यूज़िक घराना है उसे भी काफ़ी पेट्रनेज दिया। इनफैक्ट जो अख्तरी बाई फैज़ाबादी है, जो बेगम अख्तर के नाम से फेमस है, वो रामपुर के दरबार में गायिका थी और हामिद अली खान ने उन्हें पेट्रनेज दिया था। और बहुत तबलची हैं और सिंगर्स हैं, उन्हें बहुत हामिद अली खान ने पेट्रनाइज़ किया। हामिद अली खान ने इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ मेडिकल कॉलेज हो, उसमें बहुत पैसा दिया। और जो ये जो हम बोलते हैं ना रामपुरी कल्चर, रामपुरी क्विजीन, और एक जो एक नवाबी जो कल्चर है रामपुर का, उसे बनाने में हामिद अली खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1930 में नवाब हामिद अली खान का निधन हो गया और उनके बेटे नवाब रज़ा अली खान रामपुर के नवाब बन गए। नवाब रज़ा अली खान हामिद अली खान से बहुत अलग थे। वो बहुत अच्छे शासक थे, उन्होंने जनता के लिए काफ़ी काम किए, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। और उनके प्राइम मिनिस्टर थे कर्नल बशीर जायदी। और नवाब रज़ा अली खान और कर्नल बशीर जायदी ने पूरे रामपुर की काया ही पलट दी। उस समय उन्होंने इंडस्ट्री शुरुआत की, जो रामपुर शुगर है, रामपुर डिस्टिलरी है, रेलवेज़ है और कनाल है। तो इतना उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन रामपुर में किया कि रामपुर भारत की सबसे अमीर रियासतों में से एक बन गया। कि जो रामपुर, इवन दो इट वाज उसका सिर्फ 900 स्क्वायर माइल की एक रियासत थी, उसका इनकम करोड़ों में था। और उसी के इनकम से फिर जो यहाँ पर एक समृद्धि आई और रामपुर इतना फेमस हुआ। और नवाब रज़ा अली खान ने यहाँ पर एक बड़ा महल बनवाया जिसे कोठी खासबाग या खासबाग पैलेस कहते हैं। इस खासबाग महल की खास बात यह है कि ये भारत का
पहला फुल्ली एयर कंडीशन्ड पैलेस था। इनफैक्ट भारत की पहली फुल्ली एयर कंडीशन्ड बिल्डिंग थी। इसमें हीटेड स्विमिंग पूल्स थे और इट वाज लिटरली अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग एट दिस टाइम। वो आज भी रामपुर में देखी जा सकती है। अभी तो बहुत ख़राब हालत में है, पर ये एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे महल था। और जो दूसरा विश्व युद्ध है उसमें रामपुर ने और नवाब रज़ा अली खान ने अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की, और जो उनके बेटे थे मुर्तज़ा अली खान वो लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत करीबी भी थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नवाब रज़ा अली खान ने अपनी रियासत भारत में विलीन कर दी। एक बात हमें रामपुर के नवाबों को और स्पेशली नवाब रज़ा अली खान को क्रेडिट देनी पड़ेगी, और जो हम नहीं देते हैं कि जब भारत आज़ाद हो रहा था और जब रियासतें विलीन हो रही थी तो मुस्लिम लीग का बहुत प्रेशर था हैदराबाद पर, जूनागढ़ पर, भोपाल पर, रामपुर पर कि वो भारत को ज्वाइन ना करें। और अगर आप देखें तो हैदराबाद में प्रॉब्लम हुआ, भोपाल में प्रॉब्लम हुआ, जूनागढ़ में प्रॉब्लम हुआ, और उन्होंने बहुत प्रेशर डाला रज़ा अली खान पर कि आप रेजिस्ट कीजिए या आप पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए या विद्रोह कीजिए। पर नवाब रज़ा अली खान ने कहा नहीं, मेरे जो रियासत है वो भारत में है और हम भारत को ही सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने रामपुर में दंगे भी करवाए, पर जो रामपुर का जो नवाब परिवार है वो भारत के साथ हमेशा लॉयल रहा। इनफैक्ट रामपुर में जो हिंदू मुस्लिम जो एकता जो देखी गई उस समय, इवन नवाबों के टाइम पे काफ़ी टॉलरेंस था हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। उन्होंने अपने जो हिंदू जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें हमेशा बहुत अच्छा ट्रीट किया। जो रामपुर के नवाब थे उनके बाकी हिंदू राजाओं के साथ बहुत क्लोज और अच्छे संबंध थे। इंडिपेंडेंस के बाद जो रामपुर का राज परिवार है वो पॉलिटिक्स में गया। आज भी जो उनके जो मेंबर्स हैं वो पॉलिटिक्स में है। और इनफैक्ट जब भारत आज़ाद होने के बाद नवाब रज़ा अली खान हैं, उन्होंने जो अपना जो प्राइसलेस मैनुस्क्रिप्ट्स और किताबों का कलेक्शन है उसे रज़ा लाइब्रेरी में डोनेट कर दिया, वो जो एक अभी ट्रस्ट के अंडर है। एंड इट इज़ आई थिंक द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ द रामपुर नवाब्स। तो ये थी कहानी रामपुर रियासत की।